वेलकम बैक टू फर्स्ट स्टेप एजुकेयर। सो कैसे हैं आप लोग? लॉकडाउन में लॉकडाउन 3 लागू हो चुका है और आपके साथ मैं आ गया हूँ न्यूट्रिशन इन प्लांट क्लास 7 के साइंस का पार्ट 2 लेकर। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारी चीजों के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, जो कि ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। इसके बारे में हम लोगों ने बात करा था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। अब हमें बात करना है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कुछ टाइप्स है जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ इस क्लास में। तो देखते हैं, इस क्लास में मैंने बात किया था पिछले क्लास में जो कि न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में मैंने बात किया था। आगे जो हम लोग को बात करना है, आज का जो टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में बात करें तो यहाँ पे 4 टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांट्स में। अब 4 तरह का न्यूट्रिशन जो है वो कौन कौन सा है, तो जो कि आपके स्क्रीन पे सामने दिख रहा है। पहला जो आपका सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, दूसरा है आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, अगला जो है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन एंड नेक्स्ट जो है इंसेक्टिवोरस। तो सबसे पहला मैं बात करने वाला हूँ सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं सबसे पहले। तो सेप्रोट्रॉफिक के बारे में यहाँ पे लिखे हैं, थोड़ा सा मैंने कुछ पॉइंट्स बनाया है तो उसको मैं देखता हूँ। ऑर्गेनिज्म दैट डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड रॉटन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक। यानी कह सकते हैं कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो क्या होता है मरे हुए जीव से या सड़ गल रहे जीवों से क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है, वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं हम लोग, सेप्रोट्रॉफिक। अब सेप्रोट्रॉफिक की बात कर ही रहे हैं तो हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया के बारे में देखा हो कि क्या होता है, जहाँ पे सड़ गल रहे होते चीजें वहां पे बहुत सारे बैक्टीरिया लगे होते हैं। उसी में से एक आप लोग जो मशरूम की सब्जियां बनाया करते हैं, मशरूम भी उसी में से एक है, क्योंकि जब पेड़ पौधों का या जैसे गोबर वगैरह होता है, काउडंग होता है, उसके सड़ने पर ये क्या होता है, मशरूम प्रोड्यूस होता है। ईस्ट हो गया, ब्रेड मोल्ड्स हो गया, यानी जो बरसात के दिनों में आप देखते होंगे जब रोटी भीग जाता है और भीगने के बाद उसको अगर अंधेरे रूम में रख दिया जाता है तो उसके ऊपर हरा हरा का धब्बा लग जाता है, वो क्या होता है, ब्रेड मोल्ड्स होता है। आगे जो हम लोग बात करने वाले हैं पैरासाइटिक। अब पैरासाइटिक के बारे में थोड़ा सा आप सोचिए कि क्या होता है। जैसे वैसे तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि पैरासाइटिक क्या होता है। तो पैरासाइटिक में हम बात कर रहे हैं कि दीज ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन और इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म टू डिराइव देयर फूड आर कॉल्ड पैरासाइटिक। अब ये जो पैरासाइटिक होता है दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, या तो उसके ऊपर या बाहर में रहकर उस पे डिपेंडेंट होता है, या तो उसके अंदर रहकर डिपेंडेंट होता है। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन करते हैं यानी किसी पे डिपेंडेंट होकर या उसके अंदर रहकर, तो वो क्या कहलाता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पहले तो हमने पढ़ा था कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। तो हेटरोट्रॉफिक में हमने बताया था कि दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन दूसरे पे डिपेंडेंट भी होते हैं तो वो 4 तरीके से डिपेंडेंट होते हैं, जिसमें पहला मैंने बताया सेप्रोट्रॉफिक, दूसरा पैरासाइटिक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो पैरासाइटिक में वैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि जीव के अंदर जीवित रहते हैं या जीव के बाहर में रहते हैं, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर भी सर्वाइव कर रहे हैं या तो बाहर सर्वाइव कर रहे हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। आगे बात करने वाले हम लोग सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो सिम्बायोटिक को समझना है, सिम्बायोटिक वर्ड क्या है। तो सिम्बायोसिस, ये सिम्बायोसिस से बना हुआ सिम्बायोटिक। अब सिम्बायोसिस का मतलब होता है अस्टेबल एसोसिएशन। अस्टेबल एसोसिएशन का मतलब एक दूसरे के बीच में एक कह सकते हैं कि अस्टेबल एसोसिएशन बिटवीन द दैट इज द म्यूचुअली बेनिफिशियल, यानी एक कह सकते हैं कि दो लोगों में परस्पर संबंध, ऐसा संबंध जो किसी को नुकसान ना हो। यानी दो लोग के बीच में अगर रिलेशन है तो वो दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए और दूसरे पहले को ना पहुंचाए, इस तरीके का रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। और अगर इस तरीके का न्यूट्रिशन हो रहा हो तो हम सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब यहाँ पे इसी से प्रोड्यूस हुए हुए एक ऑर्गेनिज्म या कह सकते हैं कि एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम लोग लाइकिन के बारे में जानते होंगे, जिससे आपका लिटमस पेपर बनता है।
लाइकेन जो बनता है वो एल्गी और फंगस के बीच में रिलेशन से बनता है। ये क्या करता है, एल्गी और फंगस के बीच में रिलेशन क्या होता है, फंगस के पास तो क्या होता है कि अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये फूड के लिए किस पे डिपेंड होता है, एल्गी के बारे पास। लेकिन एल्गी क्या करता है, फंगस के बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकता है, और ये दोनों के सिम्बायोटिक रिलेशन के कारण एक चीज प्रोड्यूस होता है, वो है लाइकेन। और लाइकेन से जो प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, आपका लिटमस पेपर, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि लिटमस पेपर का यूज किस लिए करते हैं हम लोग, एसिडिक बेस ये सब का चेक करने के लिए, जो कि आगे पढ़ेंगे अगर नहीं पढ़े हैं तो। लिटमस पेपर का यूज किया जाता है एसिडिक और बेस चेक करने के लिए। आगे हम लोग बात करने वाले हैं इंसेक्टिवोरस। तो इंसेक्टिवोरस क्या होता है, दीज प्लांट्स डू नॉट गेट सफिशियंट नाइट्रोजन, हेंस इट इंसेक्ट टू गेट द सप्लाई ऑफ द नाइट्रोजन। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए बहुत सारे मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, उसी में से एक है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की जरूरत होती है तो नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं प्लांट, तो प्लांट जो नाइट्रोजन लेते हैं वो आपके जमीन से रूट के थ्रू क्या करते हैं, वाटर के थ्रू जो भी होता है, जाइलम वेसल्स के थ्रू वो प्लांट यूज कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो क्या होते हैं, हमेशा दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। कैसे, दलदली या मडी मडी एरिया में होते हैं, जहाँ पे हमेशा कीचड़ ही रहता है, और जहाँ पे हमेशा कीचड़ होगा तो अंदर में एयर जाएगा नहीं, एयर जाएगा नहीं तो वहां पे नाइट्रोजन कहाँ से आएगा। तो वैसे एरिया में कुछ ऐसे प्लांट्स ग्रो करते हैं, जैसे कि आपका एग्जाम्पल के तौर पे हमने दिया है यहाँ पे, पिक्चर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, सन ड्यू है, एंड ब्लड वॉर्ट है। ये सारे प्लांट्स जो है क्या होते हैं, ये सब मडी एरिया में ग्रो करते हैं। मडी एरिया में ग्रो करने के कारण इनको नाइट्रोजन जमीन के थ्रू मिल नहीं पाता है, वाटर तो मिल जाता है बट नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है। तो नाइट्रोजन के लिए क्या करते हैं, तो जो भी जीव है, ठीक है, दुनिया में जो भी जीव है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, यानी ये सारे पौधे क्या करते हैं कि जो भी इंसेक्ट वगैरह इनके आसपास आते हैं, सारे का अलग अलग तरीके का है जो भी इंसेक्ट को ट्रैप करने का, ठीक है। तो पिक्चर प्लांट है, पिक्चर प्लांट क्या करते हैं इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, उसी तरीके से वीनस फ्लाई ट्रैप है, सारे क्या करते हैं इंसेक्ट को ट्रैप करके उसको क्या करते हैं रॉटन करके उससे नाइट्रोजन यूज कर लेते हैं। इस तरीके से बहुत सारे प्लांट क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।